नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अगस्त की 26 तारीख है और 26, और मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि अगली बारी जो सीड मिलने वाले हैं सितंबर में जो मिलेंगे, तो वो किस तरह से मिलेंगे। तो आज मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी। और लास्ट टाइम जो मेरे बहन भाइयों ने सीड जीते हैं, तो उन्होंने अपनी मेहनत से जीते हैं, तो इस बारी भी मैं एक कंडीशन रखूँगी। तो जो जो मेरे भाई बहन सही आंसर करेंगे मेरे बताए हुए वीडियोस पे, तो उन्हीं में से अगर चार नाम निकालूंगी, तो अगर ज़्यादा सारे मेरे भाई बहनों ने आंसर किए होंगे, ठीक आंसर होंगे, तो फिर मैं ड्रॉ से नाम निकालूंगी। तो वो ये आपको भी करने में मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने वो सीट जो है अपनी मेहनत से जीते हैं। तो मैं ये चीज़ बता दूं कि आप जैसे फरमाइश करते हो कि हमें ये सीट चाहिए या वो सीट चाहिए, तो सबकी फरमाइश पूरी करना एक साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारे जो सीड्स निकाले हैं, मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे घरों में जो मेरे गार्डन के सीड पहुंच गए हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे। बस आप अपना साथ देते रहिए और पेशेंस रखिए। तो क्योंकि एक साथ तो मैं ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं फिर कुछ एक नाम बताती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने 6 नाम निकाले थे, 4 बताए थे, बट फिर मैंने 2 और नाम निकाले थे, तो 6 निकाले थे। तो इस बारी भी 4 निकालूंगी। आगे फिर देखती हूँ कि मुझे कोई किसी का कमेंट अच्छा लगता है, या किस बेस पे मैं जहाँ एक या दो नाम अगर निकालना चाहूँ तो मैं निकाल भी सकती हूँ और नहीं भी निकाल सकती हूँ। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि मैं जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को ही सीड भेजती हूँ, तो इंडिया से बाहर मैं नहीं देती हूँ। ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर बाई चांस जो मैं नाम निकालूंगी उनमें से अगर इंडिया से कोई बाहर का होगा, तो फिर मैं बाद में नाम चेंज भी कर सकती हूँ। तो ये एक मेरी कंडीशन, ये तो शुरू से ही मैंने बता रखा हुआ है कि इस तरह से मैं ये सीट निकालती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो ये पार्टिसिपेट करें इस तरह से, और फिर उन्हीं को ही ये सीट्स दिए जाएंगे। उन्हीं में से जिनके सही आंसर होंगे, ज़्यादा आंसर सही होंगे, तो ड्रॉ निकाल के मैं उन्हीं में से जो 4 नाम निकालूंगी। तो मेरी यहाँ रात से बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। अभी भी ये देखिए हल्के हल्के छींटे पड़ना शुरू हो गए हैं, और मैं अम्ब्रेला लेके अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो ये फूल देखिए कितने सुंदर खिल रहे हैं, और इस पे भी फ्लावर वर्ड्स आना ये स्टार्ट हो गया है गेंदा पे। तो मैंने अगली कंडीशन मेरी क्या है, कल 25 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाला है अपने पुराने चैनल पे, ये भी मैं उसी पे पुराने चैनल पे ही डालूंगी ये वीडियो भी, आज वाला वीडियो। तो उसमें वीडियो नंबर 1069, 1069, तो उस वीडियो में मैंने एक चीज़ ये पूछी थी, बताई थी बीच में वीडियो जब मैंने बनाया था, और वीडियो के बीच में मैंने एक प्लांट दिखाया था कोई, और उसमें मैंने ये बताया था कि गिलहरियों ने इसका ये सब फ्रूट खा डाला है, और इसको भी अभी आप कटिंग से लगा दीजिए। तो जिन मेरे भाई बहनों ने कल वो मेरा वीडियो देखा होगा, वीडियो नंबर 1069 देखा होगा, अगर ध्यान से देखा होगा तो उनको ये चीज़ याद आ गई होगी कि किस चीज़ के लिए मैंने बोला था। एक और कई मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि हिबिस्कस पे क्या डालना है उनको, तो मेरे ये देखिए हिबिस्कस पे इतने सारे ढेरों फ्लावर्स आ रहे हैं, पूरे फ्लावर वर्ड्स। ये अलग चीज़ है कि गिलहरियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, और मैंने बताया था कि मैंने ग्राफ्टिंग की कर रखी हुई है, तो फूल खिलने भी नहीं दिए यहाँ पर। और ये देखो हाफ ये कट कर दिया, और एक और यहाँ से ये काट के ले गई, ये इसके साथ ये कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये मैंने कैमरा पकड़ा हुआ ना एक हाथ से, तो मेरे को ये बड़ी सारी ये बड के साथ ये एक और ये कटा हुआ फूल देख रहा। तो मेरे यहाँ गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, और फिर भी मैं ये है कि काम करती ही रहती हूँ, चलो गिलहरियाँ भी खुश रहें।
और इन पे क्या करना है, इन पे मैंने बताया था कि इनको हल्की एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इसमें आप फिटकरी जो होती है, तो फिटकरी का को आप 1 चम्मच उसका एक मग में घोल के अपने प्लांट में दे सकते हैं। और फिटकरी जो होती है, आजकल जैसे ज़्यादा बरसात में ज़्यादा पानी मिलता है पौधों को, बहुत बरसात हो रही हो, अगर रूट्स में कहीं बैठता हो तो डर भी बना रहता है, तो फिटकरी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए भी वो फ़ायदेमंद रहती है, तो ये दे सकते हैं। और कई भाई बहनों ने पूछा है कि जो इस प्लांट की पत्तियाँ उनकी जो तूड़ी मूड़ी होती हैं, तो कैल्शियम की कमी से भी ऐसा हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंसेक्ट लगे हों, सेफ सकिंग इंसेक्ट लगे हों, तो उनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप फिर जो अगर राख है हल्की सी, तो वो उसका स्प्रिंकल कर दीजिए अपनी मिट्टी में, तो ये सब कर सकते हैं आप। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, तो ये भी काम की चीज़ थी। और जिन मेरे बहन भाइयों को इस टाइम जो वाटर लिली ग्रो करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइम ग्रो करना इन्हें बहुत ही आसान है। आपके आसपास अगर किसी के पास ये प्लांट्स लगे हैं, तो उनसे ये इस तरह की पत्तियां ले लीजिए, ये जो गांठ बनी होती है सेंटर में दिखती है, तो बस इसी को कट करके, ये देखो यहीं से रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसी को कट करके पानी में डाल दीजिए और खूब सारे प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे, तो अब ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं, पानी में है नहीं करेंगे, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स बन गया। तो इस पत्ती का कोई मतलब नहीं है, अब ये पीली हो खराब हो कोई नहीं, हमें ये रूट बन गई है और ये क्राउन तैयार हो गया है। तो अगर हम अच्छी मिट्टी बना के इसको लगा देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फैलेगा, नहीं तो ये फिर ऐसे पानी में डाले रखेंगे, कोई खुराक नहीं मिलेगी, तो ये फिर खराब हो जाएंगे पौधे। तो ये देखिए ऐसे रूट्स बन गई हैं, ये कितनी सारी, और क्राउन भी बन गया है। तो इसी तरह से ये डुबोना है आपने पानी में, तो मैंने ये अपने फ्रेंड्स को देने हैं पौधे, तो मैं जा ही नहीं पाई। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे गार्डन की सीड तो एक ये प्रसाद है बस, ये जो जैसे जैसे मेरे पास होते हैं, तो मैं उस तरह से इन्हें बांट देती हूँ और आपके घर तक पहुँच जाते हैं। तो एक हमारी यूट्यूब फ्रेंड हैं, गुड लिविंग जो जिनका चैनल है, तो वो सीड सेल करते हैं, तो आप अगर आपको अपनी पसंद के कोई चाहिए हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो आपको आपकी पसंद के मिल ही जाएंगे, जहाँ सीड शॉप से मिल सकते हैं, या फिर किसी के घर के आसपास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं तो वहाँ भी मिल जाते हैं, और उनके अगर रिसर्च स्टेशन है तो वहाँ भी पता कर सकते हैं आप। तो हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ये है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैंने पूछा था कि वीडियो नंबर 1069 में पूछा था कि एक प्लांट दिखाया था, और उसमें दिखाया था कि गिलहरियों ने इसका फ्रूट कट कर दिया है, तो इसकी भी कटिंग लगा दीजिए और 1 महीने में जो है वो आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मौसम कैसा है, और ये किस तरह से मेरे जो है ब्लैक टाइगर रोज़ कैसे हो गए हैं। तो गुलाबों को जो है ज़्यादा पानी भी इनके लिए खतरा बन सकता है, और फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आपके अगर गुलाब में फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा पानी से हो जाती है, तो उसे अलग रख दीजिए, और क्योंकि दूसरे भी पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं, तो दालचीनी पाउडर मिला दीजिए वो, और अलग रख दीजिए, और पानी की कमी करिए, रूट्स को जो है धूप में सूखने दीजिए, बच भी सकता है प्लांट, और ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर बचाना मुश्किल है। अगर ऊपर की कटिंग हरी भरी है, तो कटिंग्स लगा दीजिए, तो इस तरह से भी सेव कर सकते हैं। तो पक्का नहीं मैं कह सकती कि आपका प्लांट बच जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि वीडियो नंबर 1069 में आपने आंसर करना है कि मैंने जो पूछा है उसका आंसर मैंने किस प्लांट के बारे में कहा था कि इसकी अभी कटिंग लगा दीजिए और 1 महीने में तैयार हो जाएगी।
तो जो उस वीडियो पे आंसर करेंगे मैं उन्हीं के ही जो आंसर आगे कंसीडर करूंगी, और जो अभी आज मैं वीडियो डालूंगी इस पे आप अगर जवाब दोगे तो वो मैं नहीं सही या गलत होंगे उस पे नहीं करूंगी, जो आप वीडियो नंबर जिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा है उसी पे आंसर करें। वीडियो नंबर 1069। तो अब समझ गए, तो मेरा ख्याल अब समझ गए होंगे। और तो और मैंने हिंट दे दिया है इस वीडियो में, वो प्लांट भी दिखा दिया है, ये एक हिंट हो गया आपके लिए। तो अभी सुबह का टाइम है और आज अभी बादल हैं, वैसे तो ये फूल बंद हो जाते हैं पर आज अगर बादल हैं बीच में, वो बारिश के छिट्टे छिट्टे पड़ रहे हैं बीच में रुक जा रही है, तो अभी पड़ना शुरू हुए थे अभी बंद हो गए, तो ये अभी इसलिए खिल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और उसी पे वीडियो नंबर 1069 पे आंसर कीजिए, और जिनके सही आंसर होंगे, तो अगर ज़्यादा आंसर सही होंगे तो उन्हीं में से मैं ड्रॉ निकालूंगी, फिर चार लोगों का नाम निकालूंगी। तो मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ से खुश होंगे। तो अब आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आंसर सही देख के कोई भी किसी भी किस्म की जो है किस्मत जो जाग सकती है उसको घर बैठे मेरे गार्डन की सीड्स मिल सकते हैं। जिन्हें सीड्स मिल चुका है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकी सब तो कर ही सकते हैं, पता नहीं किसकी किस्मत जो है जाग जाए। नमस्ते जी, शुक्रिया।